हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे ब्लॉग में दिल के साथ स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूं, अभी ठीक 8 बज चुका है। बस मेरे ख्याल से गई कि नहीं गई मेरे मालूम नहीं है। मैं पहले जाके पहले अपना बस को कैच करता हूं, क्योंकि आज मुझे स्कूल में बहुत सारा काम है। और मतलब अभी 15 अगस्त आने वाला है ना, तो हम स्कूल में डिफरेंट टाइप्स का कॉम्पिटिशन करने वाले हैं। मतलब सॉन्ग, डांस, आर्ट, फैंसी ड्रेस, डिफरेंट टाइप का। मतलब मुझे नहीं मालूम क्या क्या होने वाला, प्लानिंग होने वाला है। तो मैं जाता हूँ क्योंकि बहुत टेंशन है। ओए गाइस, मैं आप लोगों से आने के बाद मिलता हूँ। वहाँ पे क्या खबर है क्या है मुझे मालूम नहीं है, मैं आपको आने के बाद ही दिखाता हूँ। ओके, बी कंटिन्यू। तो अभी सैनिटाइजिंग के लिए इसमें केमिकल डाला जा रहा है फिलहाल। हो गया, इतने डालोगे हो जाएगा। कितने में पानी डालोगे इसमें? सो गाइस, अभी सैनिटाइजिंग के लिए निकल रहे हैं हमारे ये दोनों। मतलब पूरे स्कूल में मारना है दोस्तों। सो गाइस, अभी सैनिटाइजिंग का काम शुरू हो चुका है। दीवार में अच्छे से मारना चालू हो गया है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से हमारे जो स्टाफ्स हैं, अदर स्टाफ्स, चेयर, बेंचेस, टेबल में किस प्रकार से स्प्रे किया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने जो गाइडलाइन हमें दी है उसको हमें पूरा मानकर ही चलना पड़ रहा है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं वो जमीन, मतलब फ्लोर में भी अच्छा सैनिटाइजिंग किया जा रहा है। टेबल्स में हमारे प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि स्कूल में जितने सारे रैक्स हैं, जो बड़े बड़े सामान हैं जो बहुत दिन से पड़े हुए हैं, फिर भी सभी में अच्छे तरह से मतलब सैनिटाइजिंग कराने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग यहीं से शुरू कर रहे हैं सैनिटाइजिंग करना। टेबल बेंचेस में आप देख पा रहे हैं कितना भीगा हुआ है। सो और ग्रिल में भी ये स्प्रे कर रहे हैं, क्या मालूम बच्चे छूते रहते हैं इधर उधर, तो डर तो रहता है उन पेरेंट्स के बच्चे के, हमारे बच्चे क्या, बच्चे तो बच्चे होते हैं, क्योंकि एक पेरेंट्स अपने बच्चों को हमारे फर्ज छोड़ते हैं ना, तो वो हमारे बच्चे हैं दोस्तों। सो वही सोच समझ के हमें पूरा जागरूकता के साथ अच्छी तरह से हमें स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि मैडम ने मुझे कहा है, ड्यूटी दिया है देखने के लिए। सो देखिए किस प्रकार से क्लास वाइज जा जा के हम लोग स्प्रे कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रूम्स हैं, बहुत सारे टेबल बेंचेस हैं, उसी के लिए देखिए इन लोग कितने मेहनत से पूरा कोने कोने में जाकर अच्छी तरह स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ही आज्ञाकारी बोल सकते हैं। जैसे हमारे प्रिंसिपल मैम ने कहा था, जो भी काम देते हैं लोग पूरा सिंसियरली करते हैं गाइस। और इन्हें देख के मुझे बहुत सीखने को भी मिलता है और
सब चीज़ मुझे मिलता है, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करना ये ज़रूरी नहीं है कि बस ज्ञान से ही मिले, सीखना भी है हमें दूसरों से, जो चीज़ें हमें मालूम नहीं है, साफ़ सफाई क्या होता है वो सब भी हमें जानना है। तो उनके साथ मैं भी पर चप्पे चप्पे में उनके पीछे पीछे घूम घूम के मैं देख रहा हूँ, मुझे वो देखने के सीखने के लिए मिल रहा है। तो गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं, ऊपर में हम लोग का बड़ा सा हॉल है जो कि वहाँ में बहुत देर लगेगा, क्योंकि पूरे चारों तरफ दीवार में टेबल्स में आप देख पा रहे हैं कितने बड़ा हॉल है, यहाँ पे कितने सारे ग्रिल्स हैं और ओपन स्पेस है गाइस, क्योंकि यहीं पे हमारे सभी बच्चे प्रेयर करते हैं हमेशा यहाँ पे आके। फिलहाल बच्चे नहीं हैं बोल के यहाँ पे टेबल और बेंचेस लगाया गया है और इनका क्लास लिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों को अगर इंडिपेंडेंस चाहिए तो वो द बेस्ट प्लेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गए हमारे फाइटर्स स्प्रे करने के लिए चारों ओर से, तो देख रहे हैं बिल्कुल करते करते ऊपर से नीचे तक किस प्रकार से आ रहे हैं वो। दोनों को मतलब ये दोनों की मेहनत तो देखने काबिल है दोस्तों, क्योंकि मैं तो जो मेहनत करता हूँ उनको बहुत इज्जत करता हूँ और इनका तो बात ही अलग है। देख रहे हैं फ्लोर में भी नहीं छोड़ रहे हैं, सोचिए पूरे हॉल में पूरा स्प्रे करेंगे आज, कितना केमिकल लगेगा कितना वाटर लगेगा कुछ मालूम नहीं है। लाइब्रेरी में सो गाइस सैनिटाइजिंग होने अभी वाला हम है। हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में आ चुके हैं, आप देख रहे यहाँ हैं पे हमारा कितनी सारी मोहन सर है। किताबें हैं डिफरेंट टाइप्स की और कितना ओपन स्पेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे जो फाइटर्स हैं देख रहे हैं किस तो आप देख प्रकार पा रहे से हैं पूरा पूरा लाइब्रेरी में टेबल्स जितने में सारे टेबल पूरा और चेयर्स चेयर्स लगा में हुआ है पूरा वहाँ पे अंदर सब अंदर देखो में पूरा अच्छे प्रोसेस से स्प्रे सैनिटाइजिंग कर हो रहे चुका हैं है लोग। फिलहाल। और तो दीवारों पे उन्होंने मतलब जितने सारे वॉल हैं हमारे वहाँ पर जो उन्होंने स्कूल मतलब की सैनिटाइज कर लाइब्रेरियन लिया है। है इस हमारे लाइब्रेरी की बहुत ही अच्छे से देखभाल करते हैं और वो भी इन्हीं के साथ ही हैं, देखिए कुछ ख़राब ना हो जाए क्योंकि बहुत केयर करते हैं गाइस। तो चप्पा चप्पा में अंदर अंदर पूरा स्प्रे कर रहे हैं लोग। पूरे लाइब्रेरी में इन लोगों ने अच्छी तरह से स्प्रे तो कर लिया है गाइस, अब थोड़ा सा जगह बचा हुआ है जो कि ग्रिल के पास। तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से अंदर अंदर में चप्पे चप्पे में घुस घुस के किस तरह स्प्रे कर रहे हैं और बाहर से गाइस इतना आवाज़ आ रहा है यहाँ। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कितना सुहाना मौसम है और अभी मैं जस्ट स्कूल से आया हूँ और हमारे घर के अंदर देखिए सभी लोग खाने में बैठे हैं। मेरे लिए भी यहाँ पे थाली सजाई गई है, मुझे बस पैर हाथ धोने और खाना खाना है गाइस। तो ये मेरे लिए आज बनाए हैं, ये कोई मिस करिए लग रहा है दोस्तों। ये क्या कर रही है, क्या क्या मिलाई इसमें, क्या सब्जी वाला और पनीर। तो फ्रेंड्स मैं फटाफट खाना खा लेता हूँ क्योंकि ठंडा हो जाएगा ना फिर, क्योंकि आपको दिखा रहा हूँ ना तो टाइम हो जा रहा है और ऊपर पंखा देखिए कितना स्पीड चल रहा है। तो मैं फटाफट खाना खाता हूँ, मैं आपसे बाद मिलता हूँ। ओके बी कंटिन्यू। सो गाइस आई होप आज का वीडियो आपको जरूर अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि
हमारा स्कूल पूरा सैनिटाइजेशन हो गया यार, मालूम है, और बच्चे आराम से आएंगे और आराम से अपना क्लास कर पाएंगे, क्या बोलते हैं? तो हमारे प्रिंसिपल मैम ने कहा था सबसे पहले स्कूल सैनिटाइजेशन होगा, उसके बाद ही 15 अगस्त का जो भी प्रोग्राम का जो प्लानिंग होगा ना वो होगा। तो जैसे ही मेरा काम ख़त्म हुआ ना, पूरा सब जगह जितना सैनिटाइजेशन हो चुका था ना, फटाफट नोटिस लिया, बच्चों का धड़ाधड़ ये देते, साथ ही बच्चों का फ़ोन आना चालू मेरे पास, मालूम है इतना फ़ोन आ रहा है बच्चों का, मैं बता नहीं सकता, हर बच्चों को मतलब बताया जा रहा है, मेरे को ग्रुप में छोड़ रहा हूँ नहीं तो पर्सनली दे रहा हूँ, ऐसे हो रहा है, मतलब मैं सुबह से मतलब दोपहर से पूरा परेशान हूँ। तो ठीक है दोस्त, दोस्तों ये तो चलते रहता है मेरा, कोई बात नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, क्योंकि मुझे मार्केट जाना है दोस्तों, सामान लेके आना है। तो ठीक, मैं कल 8 बजे मिलूँगा आपको मेरे टाइम पर। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जो मेरे चैनल में नए आए हैं प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा, बाय एंड गुड नाइट।